शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, आपकी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक में ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, या जातक किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे ताकि मंगल उसे बहुत शुभ फल दे सके। देखिए, मंगल जो ग्रह है उसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का स्थान प्राप्त है, हेड है आर्मी के, यानी पूरी की पूरी जो सेना है मंगल के प्रभाव में रहती है। तो मंगल खून के कारक है, साहस के कारक है, उत्साह के कारक है। मंगल ही एक ऐसे ग्रह है कि जो शत्रु राशि में भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि जो सेना होती है, जब सेनापति होते हैं, शत्रु के घर में जाकर उसे पराजित करने में उन्हें बहुत मजा आता है। यानी शत्रु के घर में भी उनका आत्मविश्वास कमजोर नहीं होता। इसलिए मंगल की मित्र और शत्रु राशियों पर चर्चा करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना कि मंगल की जो नीच राशि होती है वो होती है कर्क, चौथी राशि। तो जिनका मंगल नीच राशि में विराजमान हो जाता है उनमें उत्साह की थोड़ी कमी हो जाती है, भय थोड़ा अधिक रहता है मन में, छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी ले लेते हैं और दूसरे के मन को पढ़ना नहीं आता। दूसरों जो दिखावा करता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है ये जातक को बहुत लेट समझ आता है। इसके अलावा जल्दी थोड़ा थक जाते हैं, ब्लड इन्फेक्शन, हड्डियों में दर्द, इस तरह की बीमारियां चलती रहती हैं। अगर शुभ प्रभाव में आ जाए, बृहस्पति के प्रभाव में आ जाए या सूर्य के प्रभाव में आ जाए, सूर्य के प्रभाव में आ जाए तो भाई थोड़ी सेहत तो खराब करेगा लेकिन बाकी के जो भी भौतिक सुख हैं जीवन के वो मंगल अच्छा देगा। जो दसवीं राशि है वो मंगल की उच्च राशि है। इस राशि में जातक में आवश्यकता से अधिक उत्साह होगा, आवश्यकता से अधिक साहस होगा, निर्णय बहुत जल्दी लेगा, क्विक डिसीजन लेगा, बड़े से बड़ा फैसला, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े से बड़ा रिस्क बहुत जल्दी निर्णय लेगा इन सभी मामलों में। और एक बात देखी गई है, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जो गैर कानूनी काम होते हैं वो भी जातक करने के बाद सोचता है कि ये मैंने गलत कर दिया। तो उच्च का मंगल हो, शुभ प्रभाव ना हो तो जो इसकी पावर है वो बहुत अधिक हो जाती है और कई बार जातक को बुरी परिस्थिति में फंसा सकती है। अगर शुभ प्रभाव में हो भाई, बृहस्पति शुक्र के साथ कहते हैं कि जी थोड़ा जातक में संयम कम हो जाता है, ऑपोजिट सेक्स की ओर अधिक अट्रैक्ट होता है, लेकिन इतना अनुभव में पाया नहीं गया। जातक के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ असूल होते हैं, उनके अनुसार ही जातक काम करता है।
तो बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव में हो तो मंगल अच्छा फल देगा जातक को। अब चर्चा करते हैं कि जातक में ऐसी कौन सी आदतें होनी चाहिए जिनके अनुसार मंगल से हम शुभ फल ले सके। जीने का ढंग किस तरह का होना चाहिए। देखिए, जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका जो मकसद है वो है कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे करें, समस्याओं को कैसे कम कर सके, किसी को डराना कि सारी सती आपका ये खराब कर देगी, ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उपाय बताने कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका जो साहस है, जो सहन शक्ति है, उसमें वृद्धि होगी। तो ज्योतिष का जो मेन पर्पज है वो मानव जीवन में खुशहाली को लेकर आना। कोई दशा अंतर दशा खराब चल रही हो तो भाई ये कह दो कि एक साल आपका ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, उसके बाद अपने आप समय अच्छा आ जाएगा। और जो ग्रहों का दान वगैरह है या किसी स्थिति में कोई नग वगैरह डालना पड़ता है तो वो इसीलिए होता है कि ये धैर्य के साथ हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकें। और जो मुश्किलें आनी होती हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में आती हैं। ये नहीं कि दान कर दिया, जो हमने खराब कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनका फल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दान कर दिया फल मिलेगा, लेकिन भाई इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, और आपकी सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी। एक तो सहन शक्ति बढ़ गई, दूसरा बुरा फल किस्तों में मिल गया तो जातक उसको आसानी से झेल लेगा, उसका मुकाबला कर लेगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव यानी लग्न में मंगल हो, तो लग्न में मंगल हो तो एक तो आपने अपने स्वास्थ्य की ओर पूर्ण रूप से ध्यान रखना, यानी कि कोई इस तरह का कार्य नहीं करना जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, कोई ब्लड इन्फेक्शन हो जाए या छोटी मोटी बीमारी आ जाए उसको इग्नोर नहीं करना, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेनी है, उसका इलाज करवाना। इसके अलावा हमेशा अपने आप में साहस रखना है, लेकिन साहस एक लिमिट में रखना है। लगन है, लगन पूरी कुंडली की नींव है, एक लिमिट के ऊपर साहस को नहीं जाने देना। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लगन में मंगल हो तो भाई कभी कभी जीवन में झुकना भी पड़ता है। बहुत तेज अंधेरी चल रही हो, हवा चल रही हो, तो जो बड़े से बड़े वृक्ष होते हैं वो गिर जाते हैं और जो घास होता है वो नहीं गिरता, क्योंकि घास झुक जाता है। इसलिए मंगल लग्न में विराजमान हो जाए तो कई बार आपका दिमाग कहेगा कि नहीं झुकना, दिल कहेगा कि नहीं झुकेंगे तो मुसीबतें बढ़ेंगी, तो हमने उस स्थिति में भाई झुक जाना है और अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करना, छोटा महसूस नहीं करना, परिस्थिति के अनुसार झुक जाना है। इसके अलावा लग्न में मंगल हो, किसी से झगड़ा हो जाए तो हाथापाई नहीं करनी। हाथापाई का मामला भाई बहुत पचीदा हो सकता है,
और कोशिश कीजिए कि कम से कम गलत भाषा का उपयोग करें, गाली गलोच वगैरह इनका उपयोग कम करें। चाहे आप किसी यूनियन के लीडर हैं, या राजनीति पार्टी के लीडर हैं, या इस तरह का कार्य है कि आपके नीचे बहुत से वर्कर काम करते हैं, फिर भी ऐसी कोशिश कीजिए कि कड़वी भाषा कम से कम यूज करें, तो आपका जो मान सम्मान है समाज में बहुत बढ़ेगा। इसके अलावा किसी में आपको कोई गलत बात नजर आए, उसके मुंह पर कह देते हो, जिसके मुंह पर कह दी तो भाई वो आपका शत्रु बन गया, जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपसे बदला लेगा। तो किसी की कमी उसके मुंह पर ना बताएं, अगर बतानी हो अकेले में और कूटनीतिक ढंग से बताएं, ताकि वो समझ भी जाए और उसे अधिक महसूस भी ना हो। घर में जो बुजुर्ग औरतें हैं, माता दादी है या दूसरी औरतें हैं, अगर कभी आपसे नाराज हो जाए, गुस्से में कुछ गलत बोल दे, तो भाई काउंटर जवाब नहीं देना उनको। इज्जत मान सम्मान मन में उतना ही रखना है कि जो मेरी माता है या कोई भी बुजुर्ग स्त्री है हमारे खानदान की, वो हमारे लिए भगवान के समान है। अगर कड़वी वाणी या गुस्से में कुछ गलत बोल दिया तो भाई वो भी हमारे लिए आशीर्वाद ही है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मंगल लगन में हो तो जातक जब किसी से वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, तो बीच में झूठ का उपयोग कर लेता है, यानी कहते हैं ना बात थोड़ी बड़ी कर देता है। तो जो बात आपने बड़ी की हो, यानी जो झूठ बोला हो, उसको याद रखना है, मेमोरी में रखना है, हो सके तो लिख ले कि मैंने ये बात इस तरह से की थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप फिर बड़ी बात करेंगे कोई, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, जिसके कारण आपकी रेपुटेशन समाज में ये बन जाएगी कि भाई ये तो गप्पे मारता है। तो उससे थोड़ा आपकी जो छाप है समाज में वो कम हो सकती है। अगले भाव पर आते हैं, मंगल दूसरे भाव में। दूसरे भाव में मंगल हो तो परिवार में आपका नाम होगा, लेकिन कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपसे कैसा भी व्यवहार करें, आपने उनके सामने शांत रहना है। अगर किसी से कोई बात कहनी है तो बहुत ही विनम्रता से कहनी है, हमेशा गुस्से में नहीं रहना। ठीक है, खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनकी हरकतें इस तरह की हो सकती हैं कि जो आपकी तरक्की है उसमें रुकावट का कार्य करें, लेकिन फिर भी हमने उनका सत्कार करना है। एक और बात है, दूसरा जो भाव है संचित धन का, तो जितना धन आपके पास संचित है उसका 25%, यानी चौथा हिस्सा, अगर 100 रुपए है तो 25 रुपए, 25 रुपए आपने जमा करके भूल जाने हैं कि ये मेरे पैसे हैं, जो बाकी के 75 रुपीज हैं, 75 रुपए हैं, वो आप खर्च कर सकते हैं। ये जो 25 रुपए हैं, ये बुरे वक्त में आपके
बहुत काम आएंगे और ईश्वर की तरह आपका साथ देंगे जब भी आप पर बुरा वक्त आएगा। इसके अलावा जो आपकी संतान है दूसरे भाव में मंगल हो तो संतान पर पूर्ण कंसंट्रेट कीजिए, संतान को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनका अच्छा पालन पोषण कीजिए तो आपकी संतान आपका नाम चमकाएगी। ये नहीं कि लड़का ही नाम चमकाएगा, लड़कियां लड़कों से ज्यादा नाम चमकाएगी अगर दूसरे भाव में मंगल हो। आगे चलते हैं थर्ड हाउस, तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो। तो तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो तो भाई सबसे बड़ी जो बात है धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। जो बात दिमाग में आ गई साथ की साथ पूरी होनी चाहिए, तब तक चैन नहीं आता। किसी से दुश्मनी हो गई जब तक बदला नहीं ले लेते तब तक चैन की नींद नहीं सोते। छोटे भाई बहन उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। एक तो धैर्य रखना है, छोटे भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी तो आपकी बहुत प्रसिद्धि होगी समाज में। इसके अलावा तीसरे भाव में मंगल हो दशम भाव पर दृष्टि के कारण आपके पास शक्तियां होंगी, सरकारी शक्तियां होंगी, राजनीतिक शक्तियां होंगी, चाहे खुद के कारण हो या आपकी जो जान पहचान के लोग हैं वो राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नाम रखते हो, तो भाई उन शक्तियों का उपयोग किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दुखी करने के लिए नहीं करना। अगर आप खुद किसी सरकारी पद पर विराजमान हो तो अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना। इसके अलावा जो घर में बड़ी उम्र के पुरुष हैं, आपके पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके साथ आपका जो व्यवहार होना चाहिए विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो भाई समय के साथ आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है नाशवान है, एक दिन सभी को जाना है। जब आपके बुजुर्ग पुरुष इस दुनिया में से चले जाएंगे फिर आपको बहुत पछतावा होगा। इसके अलावा जहां आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, या राजनीति में हैं, या बिजनेस में हैं, जो आपके सह कर्मचारी हैं या जो आपके बहुत नजदीक है कार्य क्षेत्र में, जिनके साथ आपका लेन देन है या एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, तो भाई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनसे कूटनीतिक ढंग से चलना है। गुस्से में कोई इस तरह की बात नहीं कह देनी जिससे झगड़ा बढ़ जाए, नहीं तो छोटी सी बात पर बड़े बड़े कोर्ट केस, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं जिनका तीसरे भाव में मंगल विराजमान हो। आगे चलते हैं चौथे भाव में मंगल विराजमान हो। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का भाव है, नीच के होते हैं जहां मंगल, मंगल है सेनापति, चंद्रमा है मन। चंद्रमा की जो तस्वीर है वो है जल, मंगल क्या है आग।
तो जब हीट और वाटर इनका मिलन होता है तो भाप बनती है। भाप में क्या होता है, भाप में होती है हिडन हीट, आपने महसूस किया होगा कि थोड़ा गर्म पानी आपके हाथ पर गिर जाए तो उसका जो दर्द है वो कम होगा, लेकिन अगर गर्म भाप आपके हाथ में लग जाए तो उसका दर्द बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें हिडन हीट होती है। तो मंगल जब चौथे भाव में होता है तो जो आपके अंदर इतना गुस्सा है उसको भाई किसी ना किसी तरह शांत करना पड़ेगा, चाहे प्राणायाम से कीजिए या चंद्रमा का दान कीजिए या अपने आप पर इतना कंट्रोल कीजिए कि कोई आपसे अपशब्द कह दे तो बहुत कूटनीतिक ढंग से उसका जवाब देना है, लेकिन इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो किसी मुसीबत में, मन के कारण किसी मुसीबत में, किसी लड़ाई झगड़े में, किसी गैर कानूनी कार्य में आप फंस सकते हो। इसके अलावा चौथे भाव में मंगल हो, दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सरकारी पद के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है, मगर इन क्षेत्रों में भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और निडरता है जो आप में, एक लिमिट तक रखनी है, एक लिमिट से अधिक निडर नहीं होना, यानी सोचना कि अगर इस तरह के गैर कानूनी कार्य करूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो भाई कई बार बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा वाहन, जमीन जायदाद, खासतौर पर शुभ प्रभाव में हो तो जमीन जायदाद जितनी आपकी आवश्यकता है आपके पास होगी, लेकिन जो आपका अंदर से मन है वो नहीं भरेगा। एक प्लॉट है दो हो जाए, दो है तीन हो जाए, जो खेती करते हैं वो भी बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, तो एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि इतनी जमीन जायदाद है मेरे पास तो भाई बहुत अच्छा है। उसके अलावा माता से आशीर्वाद लेना ही लेना, चाहे विचार आपके मिलते हैं या नहीं मिलते, उनसे आशीर्वाद लेना ही लेना है। पैतृक संपत्ति के मामले में चुस्ती चलाकी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि इमोशनल होकर कि भाई ने ये बात कह दी मान ले, ऐसा नहीं करना, वरना भाई आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है बहुत कूटनीतिक ढंग से। और जब भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो गुस्सा नहीं करना, इमोशंस बिल्कुल खत्म कर देनी है, तो आपका जो फैसला होगा वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, नहीं तो अगर आप झगड़े में पड़ गए या किसी की बातों में आ गए तो भाई फिर वो आपके लिए घाटे का सौदा बन सकता है। इसके अलावा चौथे भाव में मंगल हो तो आपके जो पिता हैं उनके जीवन में भी थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, तो जब उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए तो आप अगर मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिला दें तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और पूरे परिवार के लिए भी अच्छा होगा। आगे चलते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में मंगल हो तो जिनके पंचम भाव में मंगल हो, एक तो उनको
शारीरिक क्रियाएं आ जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का काम हो गया, जो प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल के हो गए, इंटरनेशनल लेवल के हो गए, उनकी कुंडली में पंचम भाव में मंगल देखा गया है। अगर आपका इंटरेस्ट इस ओर है तो पूरी मेहनत कीजिए, अवश्य फल मिलेगा, थोड़ा देर सवेर हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी, अच्छे डॉक्टर या जो मेरी बहने नर्स का कोर्स करती हैं, बहुत सफल होंगी जिनके पंचम भाव में मंगल है। अगर सूर्य का भी प्रभाव हो जाए तो मानसिक चिंता तो देगा, लेकिन बड़े बड़े सर्जन्स की कुंडलियों में पंचम भाव में मंगल और सूर्य का योग देखा गया है। जीवन में तरक्की करने के लिए मंगल का जो सबसे बुरा गुण है, गुस्सा, गुस्से पर कंट्रोल रखना है आपको। अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल रख लिया तो आपकी संतान भी आपकी इज्जत करेगी और आपकी जो संतान है वो आपका नाम भी चमकाएगी। इसके अलावा संतान में अगर पहली लड़की हो तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगी। पंचम भाव है रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का भाव है, जैसे शेयर मार्केट हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, तो इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20% से अधिक रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये नहीं कि उत्साह में आ गए तो या किसी के कहने में आकर, किसी एजेंट के कहने में आकर अधिक इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहां आपको नुकसान हो सकता है। 20% से अधिक इन्वेस्टमेंट भाई बिल्कुल नहीं करनी। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं और आपके खून की रिश्तेदारी में नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनके साथ अधिक नजदीकियां नहीं रखनी, उनको कोई राज की बात नहीं बतानी। भावनाओं में बहकर इस तरह की बातें नहीं करनी कि बाद में वही बातें आपके दुख का कारण बने। तर्क वितर्क से दूर रहना है, अगर हो जाए तो गुस्सा नहीं करना, और अगर बहसबाजी में कोई शख्स इस तरह की बात कह दे जो आपके दिल को चुभ जाए तो भी भाई उसको वहीं पर छोड़ देना है। नहीं तो अगर अपने दिल में रखोगे तो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटेगा और आपके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आगे चलते हैं, छठे भाव में मंगल हो। छठे भाव में मंगल हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपका सोचने का तरीका है, काम करने का ढंग है, दूसरों के प्रति आपका रवैया है, धैर्य की कमी, थोड़ा चिड़चिड़ापन, किसी की बात अच्छी ना लगनी, इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ेगा, आपके लीवर पर पड़ेगा, जिसके कारण लीवर के रोग, पेट के रोग और जो आपकी अंतड़ियां हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें जख्म, इस तरह के रोग हो जाएंगे और ये आपकी सेहत के लिए भाई बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा छठे भाव में मंगल हो तो जो आपके दुश्मन होंगे आपके सामने बोलने का साथ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पीठ के पीछे
बड़े बड़े षड्यंत्र बनाएंगे। लेकिन आपको पता होगा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, फिर भी दूसरों की नजरों में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप उसके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। इसलिए समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान, इज्जत बहुत है, उसको और बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करने और किसी दूसरे का गैर कानूनी कार्य करने में साथ नहीं देना। लोकप्रियता यानी लोगों में मेरा नाम हो, इसकी इच्छा जितनी कम रखोगे उतने आप लोकप्रिय होंगे। इसके अलावा छठे भाव में मंगल हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उधार वगैरह कम से कम दें। अच्छा होगा कि अगर आप नौकरी कर लें या कंसल्टेंसी का कार्य कर लें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आगे चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सातवें भाव में ऐसा कहा गया है कि मंगल हो तो जीवन साथी का भाव है, मंगलिक भी कहते हैं। मंगलिक तो खैर 1, 4, 7, 8, 12 किसी भी भाव में मंगल हो मंगलिक कहते हैं, लेकिन सप्तम भाव तो भाई पिन पॉइंट है, जीवन साथी का भाव है। तो सप्तम भाव में अगर शुभ प्रभावों में मंगल विराजमान हो जाए तो आपका जीवन साथी हर प्रकार से आपकी सहायता करेगा। तन मन धन जितनी भी उसकी क्षमता है वो आपकी सहायता करेगा और आपके लिए बहुत अधिक लक्की साबित होगा। अगर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव है तो भाई थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए कि एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरा शांत हो जाए तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। साझेदारी में अगर कोई कार्य कर रहे हो तो अधिक भावुकता या अधिक उत्साह नहीं दिखाना अपने पार्टनर को जिसके साथ आपका साझेदारी में कार्य है, उसको कोई राज की बात नहीं बतानी और कोशिश करनी है उसके साथ कम से कम बात की जाए। और अगर आपको लगे कि जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, आप साझेदारी में काम कर रहे हो, वो आपको धोखा दे रहा है तो झगड़ा नहीं करना और वाणी मधुर रखनी है, चुपचाप आप अपना हिस्सा वहां से निकाल लीजिए तो आप लाभ में रहेंगे। अगर झगड़े के चक्कर में पड़ गए तो भाई फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जहां तक संभव हो सके कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर कोर्ट केस हो जाए तो झगड़ा नहीं करना, यानी झगड़ा अगर हो गया दूसरी पार्टी के साथ तो उसका खमियाजा आपको बहुत अधिक भुगतना पड़ेगा अगर सप्तम भाव में मंगल विराजमान। इसके अलावा जीवन में थोड़ा संयम रखना है, सेक्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना है तो भाई आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समाज में आपका इज्जत मान भी अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं उनकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है तो दसम भाव को उचित दृष्टि से देख रहा है तो वो बच्चे मेहनत करें,
कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर लग्नेश और नवमेश भी अच्छा हो तो आप PCS, IAS इन लेवल तक भी भाई पहुंच सकते हो। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो तो आपको एक तो अपने आप में दिलेरी रखनी है, निडरता रखनी है, धैर्य रखना है। दूसरा, अचानक धन लाभ हो कहीं से इसकी कामना नहीं रखनी। शुभ प्रभाव में मंगल हो तो अचानक धन लाभ, संपत्ति का लाभ, किसी की मृत्यु के बाद अचानक लाभ, इस तरह के लाभ आपको होंगे। लेकिन जितनी उम्मीद कम रखोगे उतने भाई लाभ आपको अधिक होंगे। अष्टम भाव में मंगल हो तो अपने आप को सीक्रेट कर ले, ये नहीं कि किसी पर गुस्सा आया तो उसको धौंस दिखानी शुरू कर दी कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, तो भाई ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। जितने सीक्रेट रहोगे, दूसरों की नजरों में जितना शरीफ बनकर चलोगे, जीवन में आप उतनी ही तरक्की करोगे। अष्टम भाव में मंगल हो तो आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो ईश्वर है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको भगवान की शरण में जाना है, उसके बाद अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों की शरण में जाना है। क्योंकि काफी केस ऐसे देखे हैं कि अष्टम भाव में मंगल हो तो जातक के मित्र या रिश्तेदार चाहकर भी जातक की मदद नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद ना हो जातक, तब तक अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जब आप ईश्वर की शरण में चले गए तो सभी लोगों की मदद अपने आप आपको मिलने लग जाएगी। आगे चलते हैं। नवम भाव में मंगल हो तो भाई, नवम भाव में मंगल हो, शुभ स्थिति में हो तो आपको अहंकार नहीं करना बिल्कुल भी, और जितना आपके पास है उससे कम शो करना। तो शुभ प्रभाव में मंगल नवम भाव में विराजमान हो जाए तो आपको नेशनल लेवल तो क्या, इंटरनेशनल लेवल तक आपकी प्रसिद्धि करवा सकता, अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो। और जब 27 वर्ष की आयु हो जाए उसके बाद आप अपने जीवन को खुलकर जिए, थोड़ा रिस्क लेना पड़े लीजिए, लेकिन आपके रिस्क लेने में आपका अहंकार ना झलके। इसके अलावा आपके भाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी मंगल उतना ही आपको शुभ फल देगा। अगर भाइयों की संख्या कम है तो जो आपके बहुत निकट के मित्र हैं उनके साथ भाइयों के जैसा व्यवहार करें तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव में मंगल हो तो धर्म के काम कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, लेकिन दिखावा नहीं करना। दान देना है गुप्त रूप से दीजिए, ये नहीं कि दान दे दिया तो मेरा नाम भी लिखा जाए। अपना नाम धर्म के मामले पर कहीं नहीं लिखवाना। जन्मभूमि से दूर कार्य करते हैं तो जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा।
आलस बिल्कुल छोड़कर मेहनत के साथ आपको कार्य करना। आगे चलते हैं दसम भाव में मंगल हो तो भाई दसम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो ऐसा लिखा गया है हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ है कि जातक कुल दीपक होता है, यानी अपने कुल का नाम चमकाने वाला होता है। कि उसका जन्म गरीब घर में हो तब भी जातक तरक्की करता है। तो जातक का प्रकाश चारों ओर फैलता है, लेकिन दसम भाव में जब मंगल आ जाए तो एक तो पिता के साथ कभी बहस नहीं करनी, पिता के धन का कभी लोभ नहीं करना, और अगर आपके पास राजनीतिक या सरकारी शक्ति या कोई तो अपने विरोधियों के कार्य सबसे पहले करने हैं, चाहे आपके अपने बंदों के काम थोड़ा डिले हो जाए लेकिन अपने विरोधियों को साथ लेकर चलेंगे तो समाज में आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग की लाइन में भी अच्छी तरक्की करते देखे गए हैं दसम भाव में मंगल हो। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप अच्छे पद पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो सरकारी टेंडर वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं, उनसे भी आपको भाई काफी लाभ होगा। दसम भाव में मंगल हो तो कई बार ऐसा देखा गया है क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है संतान के भाव पर, तो लड़का संतान होने में कई बार बिगर बाधाएं आ जाते हैं। तो अगर पहली संतान लड़की हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और दसम भाव में मंगल हो तो पंचम भाव पर जैसे दृष्टि पड़ती है तो लोगों की नजरों में अधिक अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी और मौका संभालना बहुत आवश्यक है। कभी आपको झुकना भी पड़ेगा और कभी आपको साहस भी दिखाना पड़ेगा, तो हमेशा दलेरी भी अच्छी नहीं है, हमेशा झुकना भी अच्छा नहीं है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लें तो भाई आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा जो आपकी अथॉरिटी है, अगर सरकारी नौकरी करते हैं आपका बॉस है, अगर राजनीति में है तो जो आपसे ऊपर है, अगर बिजनेस में है तो जो आपके प्रतिद्वंदी आपसे काफी ऊपर है, उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रखिए तो जीवन में भाई आप बहुत तरक्की करेंगे। उनकी छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानना, उनसे कुछ सीखना है तो आप सोच भी नहीं सकते कि दसम भाव में मंगल हो आप कहां तक पहुंच सकते हो। आगे चलते हैं ग्यारहवें भाव में मंगल विराजमान हो तो भाई आमदनी का भाव है, सॉरी ग्यारहवें भाव में मंगल हो तो एक तो आपने जो मित्र बनाने हैं बहुत सोच समझ कर बनाने हैं। ठीक है मित्र आपके बहुत काम आएंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन कई बार उत्साह में आकर किसी मित्र के लिए आप गैर कानूनी कार्य
या गलत जगह किसी की गवाही डाल दोगे जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब तक आप मेहनत करते रहोगे तब तक समाज में आपकी इज्जत बनी रहेगी, आपका अहंकार भी कायम रहेगा। लेकिन जब आपने मेहनत करनी छोड़ दी तभी भाई समाज में आपकी जो रेपुटेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ग्यारहवें भाव में मंगल हो, अगर मन में बहुत गुस्सा रहता हो, दिल करता हो गुस्से में आकर कि कई बार आदत होती है गुस्से में आ जातक तो किसी वस्तु को पटक कर जमीन पर फेंकता है। अगर इस तरह की आदत हो तो इसको सुधारना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आपको मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिला देना चाहिए। तो इस तरह का जो पशुओं वाला गुस्सा है उसमें कमी आएगी। और अगर हम ग्यारहवें भाव में जो मंगल है उसका दान कर देंगे तो हमारी संतान के लिए भी भाई अच्छा होगा। संतान होने में विघ्न बाधाएं आनी या संतान का स्वास्थ्य खराब रहना या संतान के कारण आपका मन दुखी होना, इन बातों में भी कमी आएगी अगर ग्यारहवें भाव में मंगल हो, हम रेगुलर इसका दान करते रहे। आखिरी भाव बचा उस पर भी चर्चा कर ले, बारहवां भाव। बारहवें भाव में मंगल विराजमान, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लें, बुजुर्गों का कभी दिल नहीं दुखाना, नहीं तो मृत्यु के बाद वो आपके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो बारहवां भाव है पितरों का भाव है, मोक्ष का भाव है, आत्माओं का भाव है। इसके अलावा बारहवें भाव में मंगल हो तो जब भी आप कठिन परिस्थितियों में घिर जाए, पैसा एकदम बहुत अधिक खर्च हो जाए या स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो जाए, तो पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहना है आपको। ये नहीं कि पितृ पक्ष में निकालना है, गरीबों को दान करते रहना है, बीमारों को दान करते रहना है पितरों का नाम लेकर। इसके अलावा जो कौए होते हैं और कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करते रहना है। अगर हो सके तो कौओं को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाते रहें, ये आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। मन भी शांत रहेगा और बड़ी मुसीबतों से भी आप बचे रहेंगे। अगर शिक्षा में कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो भी जो पितरों का दान है आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा बारहवें भाव में मंगल हो तो जो आत्माएं हैं आपकी बुजुर्गों की, क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे रही इसलिए कई बार आपसे गलत काम करवा देंगी, तो जहां तक हो सके अपने पास हथियार ना रखें। अगर हथियार रखना मजबूरी हो तो उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें। और जब बहुत गुस्से में हो और अकेले बैठे हो तो आपका हथियार दूसरे कमरे में होना चाहिए, नहीं तो आप ही के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बारहवें भाव में मंगल हो, आंखों से संबंधित अगर बीमारियां हो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और एक बात का और ध्यान रखना है, आपकी जो दृष्टि है वो पवित्र होनी चाहिए, किसी को भी गलत नजर से नहीं देखना। तो बारहवें भाव का मंगल आपके लिए शुभ साबित होगा, नहीं तो आंखों की प्रॉब्लम्स कई बार इस तरह की दे सकता है कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन में थोड़ा एडजस्टमेंट कर चलिए, और जैसा जीवन साथी मिल गया गुण और दोष के साथ उसको स्वीकार करना है। मन में बिल्कुल गुस्से की भावना नहीं रखनी अपने जीवन साथी के प्रति। तो भाई अगर इस तरह की आदतें अपने में आप डिवेलप करोगे तो मंगल आपको शुभ फल देगा। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।